लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेरिलिन की प्रिपरेशंस। किसकी प्रिपरेशंस? टेरिलिन की प्रिपरेशंस, तो प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन, जिसको ही यूएसए में डैक्रॉन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टेरिलिन, तो टेरिलिन का दूसरा नाम क्या है? डैक्रॉन। और इसको ही पॉलीस्टर भी कहा जाता है, मोर देन वन स्टार which is present in your group called as polyester। एक से ज्यादा अगर ester group present है आपके molecules के अंदर, तो उसको polyester कहा जाता है। तो देखो हम लोग क्या reactions करते हैं अभी इसकी फिर। तो इसके लिए दो monomer अपने को important है बेटा। एक है बेटा आपका ethylene glycol, ये है CH2OH और इधर भी है CH2OH। इसका नाम क्या है बेटा बताओ? ethylene glycol। इसका IUPAC बेटा ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता। कौन से कैटालिस्ट? तो यहाँ पे हम लोग जो कैटालिस्ट यूज कर रहे बेटा, वो है जिंक एसिटेट। कौन सा बेटा? जिंक एसिटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड यानी SbO3। SbO3 बोले तो एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे लिखवा के दे रहा बेटा एंटीमोनी या फिर मनी। कौन सा ऑक्साइड बेटा? ट्राइऑक्साइड। सो एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन हो रही है बेटा, ये ट्रांसस्टरीफिकेशन हो रही है। कौन सी स्टरीफिकेशन? ट्रांसस्टरीफिकेशन। तो यारों पे ये भी लिखेंगे यार हम लोग ट्रांसस्टरीफिकेशन। कौन सा बेटा? ट्रांसस्टरीफिकेशन। अब रिएक्शंस में क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान दो। रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो टर्थेलिक एसिड के जो OH है और अल्कोहल का H बेटा, ये चला जाएगा बेटा। तो ये गया इधर का भी बेटा, ये OH गया और इधर का क्या गया बेटा? H गया। अब आपको पता है यार कौन सा कंपाउंड फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, चलो बताओ। जैसे का वैसे डाल दो, क्या होगा? ओ बाद में बेटा CH2, बाद में CH2, बाद में ओ, ये देखो COO। समझ में आ गई बात? COO इज द ईस्टर लिंकेज। अब ऐसे ईस्टर लिंकेज बहुत सारे आएंगे यार, बहुत सारे आएंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉली ईस्टर लिंकेज। तो ये ओ बाद में और एक ओ और बाद में COO, इसको कहेंगे आप ईस्टर लिंकेज। बाद में क्या आएगा बेटा? बाद में आएगा बेटा ये रिंग। क्या आएगी बेटा? ये रिंग। और इधर भी बेटा CO। अब मुझे बताओ CO, ये वो और आएंगे यार इधर, तो COO चलते जाने का। तो यहाँ पे COO लिखा तो भी चलेगा, या फिर एज इट इज वैसे ही लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये है बेटा आपका टेरिलिन। ये क्या है बेटा आपका? टेरिलिन। देखो बेटा इधर ए है आपका टेरिलिन। ये क्या है बेटा आपका? टेरिलिन। समझ में आ गई बात? तो ये हुए आपका बेटा टेरिलिन। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिखवा के देता हूँ, ये है आपका टेरिलिन। तो ये हुई आपकी रिएक्शंस, या फिर आप प्रिपरेशन बोल दे, प्रिपरेशंस ऑफ टेरिलिन। अब मुझे बताओ टेरिलिन प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने कौन से मोनोमर यूज किए? कौन से? या एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड। कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा, कभी कभी, कि भाई विच मोनोमर इज यूज टू प्रिपेयर टेरिलिन, एक हाथ बात। और आपको ऑप्शन में टर्थेलिक एसिड नहीं दिया है, आपको इथिलीन ग्लाइकोल है और दूसरा ऑप्शन उसके साथ में इथिलीन ग्लाइकोल प्लस डाइमिथिल टर्थेलेट है, तो डाइमिथिल टर्थेलेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी थोड़ा सोच में रखो कि भाई इथिलीन ग्लाइकोल एंड टर्थेलिक एसिड इज द मोनोमर ऑफ टेरिलिन, बट इथिलीन ग्लाइकोल एंड डाइमिथिल टर्थेलेट इज ऑल्सो मोनोमर ऑफ टेरिलिन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ पे सिर्फ मैं इथिलीन ग्लाइकोल और यहाँ पे टर्थेलिक एसिड ना लेते हुए अगर मैं थैलिक एसिड कहता था तो मोनोमर होते थे बेटा ग्लिप्टाल के। किसके बेटा? ग्लिप्टाल के, जो कि पेंट्स में यूज किए जाते हैं। किसमें? पेंट्स में, पेंट्स बनाने में। और ये जो कि है इसके यूज से बेटा
हेलमेट्स बनाने में, क्या हेलमेट जो कि आप लोग और हम लोग पहनते या फिर आजकल पहनते भी नहीं, ठीक है, तो वो हेलमेट बनाने में टेरिलिन का यूज होता है, पहना करो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, तो टेरिलिन कैसा वाला पता है आपको, हम लोगों ने क्या किया, इथिलीन ग्लाइकॉल का एच और टर्थेलिक एसिड का OH निकाल के रख दिया और दोनों भी मॉलिक्यूल्स एक में को क्या किए बेटा, ज्वाइन किए, क्या किए, ज्वाइन किए, किसी को कोई डाउट। और ये जो रिएक्शन है कौन सी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही बेटा, जिंक एसिटेट और एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड, कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये ट्रांसएस्टरीफिकेशन, जो टेरिलिन फॉर्म हुआ बेटा उसका दूसरा नाम क्या है, डैक्रॉन, और इसको ही कहा जाता है बेटा पॉलीस्टर, क्या है बेटा पॉलीस्टर, कोई डाउट, चलो ठीक है।